बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तरफ आया हूँ, तो आज की जो वीडियो है टोटल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में होगी, और यहाँ पर जो रश है वो देखने को मिल रहा है, जो भी है मैं आपको बताऊँगा। सॉरी, कुछ वीडियोस पार्किंग के हवाले से भी बताऊँगा, बाकी जगह तो जो है उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। लेकिन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फतेहजंग के पास है, वहाँ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में टोटल बताऊँगा। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छी वीडियो बन जाए, और बाकी पार्किंग के हवाले से भी आपको बताऊँगा कि पार्किंग एरिया जो है वहाँ के लिए बताऊँगा। ये अभी मैं पार्किंग पे खड़ा हूँ, 16 नंबर पार्किंग पे गाड़ी लगाई है। पार्किंग एरिया भी हमारे एयरपोर्ट का काफ़ी बड़ा है, अच्छी एयरपोर्ट बना सुनाई है। लेकिन यार यहाँ पे जो हमले का जो है सिस्टम जो है वो कुछ अच्छा नहीं है, ज़बरदस्त नहीं है। लेकिन पार्किंग काफ़ी बड़ी पार्किंग है, मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं टोटल पार्किंग है। इसके अलावा मैं आपको पार्किंग का सारा कुछ भी देखा। ये यहाँ पर जो है रश है, ये अराइवल है, यानी कि लोग आ रहे हैं और ऊपर से ऊपर वाली साइड से जा रहे हैं, और ये सारा आपको नजर आ रहा है। ये पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में ज़रा लोगों का रश भी है, अपने प्यारों को कोई लेने आया हुआ है, कोई छोड़ने आया हुआ है। अभी उम्रे का वही ख़त्म हुआ है, तो लोग ज़्यादातर रमज़ान के बाद उम्रे से जो वापस आ रहे हैं उनको भी लेने आए हुए हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा रश है। मैं गाड़ी से होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से गाड़ी स्लो स्लो जा रही है, और रश भी आपको गाड़ियों का लोगों का हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जब हम आए थे तो कोई जगह नहीं मिल रही थी हमें पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन बाद में आखिरकार मिल गई, हमने वहाँ पर गाड़ी पार्क की थी। कुछ देर रुके क्योंकि मेरा भाई भी वापस दुबई जा रहा था, तो उसको गाड़ी पे क्या एयरपोर्ट के अंदर वो एंटर हुआ, तो उसके बाद हम वापस आ गए। तो देखें क्या हर तरफ गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, रश नज़र आएगा, लेकिन जगह खूबसूरत है। अभी पौधे छोटे हैं, इसलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी में हवा तेज़ चल रही होती है। ये जब दरख्त बन जाएंगे तो यहाँ पर एक अच्छा व्यू भी बन जाएगा, साया भी हो जाएगा, और गर्मी भी थोड़ी एयरपोर्ट के करीब कम हो जाएगी। ये सारा नज़ारा है यहाँ का। तो धूप आज खिलखिलाती हुई निकली हुई है, और थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी हमें पैदल चलते हुए, लेकिन गाड़ी में नहीं मैं इतनी गर्मी लगी। बहरहाल यहाँ से हमने जो चिट ली थी वो चिट हमने दी, ये चिट ली अली भाई ने, 90 रुपये लेते हैं पार्किंग का, और जो है उसके मत में भी लाखों रुपये कमाते हैं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो यहाँ से भी लाखों रुपये दिन के कमाए जाते हैं। बहरहाल जो भी है, अभी मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, तेज़ी पकड़ ली है, तो आगे और तेज़ी ही पे ही जाएंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी निकलने का रास्ता है पार्किंग का, और मुख्तलिफ जगहों से ये पार्किंग का रास्ता निकल रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए यार, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बेशक ना करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो हो। अभी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो गई है, इसलिए व्यू इतना आउट क्लास नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पौधे और ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। तो देखें हमारे पास भी इतना ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहले वो हुआ करता था रावलपिंडी में, लेकिन अब यहाँ पे चेंज करके यहाँ ले आए। लेकिन ठीक है, साइड एरिया में एयरपोर्ट अच्छा है, एक साइड पे रश भी नहीं है, और यहाँ तक मेट्रो सर्विस भी आती है एयरपोर्ट तक। वो सामने आपको मेट्रो भी नज़र आ रही है। तो लाइन देखें हमें जी, ओ ये
ये एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और मैं गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। एयरपोर्ट से वापसी का रास्ता आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत इलाका बनाया हुआ है, और सही भगा रहा हूँ मैं गाड़ी जी, जिस तरह जितनी भाग सकती है मैं रान उतनी स्पीड में भगा रहा हूँ। तो वीडियो भी साथ में बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाएं। इतनी तेज़ स्पीड में आपको नज़ारे तो उस तरह नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी नज़र ज़रूर आएंगे। ये फ्रंट व्यू है गाड़ी का, फ्रंट से भी आपको नज़र आ रहा है। वैसे भी रश तो इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती इस रोड में, खुली सही खुली रोड होती है। बहरहाल न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनी है वो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे बनी है, और देखिए जी यहाँ पे थोड़ा स्लो होना पड़ा और अब आ गए हैं बड़ी स्पीड में, फिर से चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए मैंने ये देखें सामने सिक्योरिटी वाले भी खड़े, और इससे आगे जो है अभी देखते हैं कि मुझे थोड़ा सा रास्ता भी भूल चुका था, लेकिन फिर भी समझ आ गई कि भाई इस साइड पे सीधा ही जाना है, मुड़ना नहीं है, बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो ये फतेह जंग वाला एयरपोर्ट है जो नया बना है, तो अब पहले तो इस साइड पे ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब जो है यहाँ की ज़मीन की कीमत आसमान पे चली गई है। और देखें क्या नज़ारा है, खूब नज़ारा है, और गाड़ी तो हम भगाएँगे ही भगाएँगे जिस स्पीड से भगा सकते हैं। ये साइड का व्यू आप देखें, सामने से भी गाड़ी आ रही है, नीचे से जा रही है, अभी हम पुल के ऊपर से गुजरे हैं। अब यहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो इस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कि बिल्कुल समझ लें फ्री ही थी, लेकिन अब इसकी कीमत आसमान पे चली गई और हम जैसा बंदा तो ख़रीदने की सोच भी नहीं सकता। देखें दूर तक हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और क्या नज़ारे हैं भाई। और मेरा आज विज़िट हुआ एयरपोर्ट की साइड, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़े नज़ारे दिखा देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा यार, नवाजिश होगी। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दो मिनट की होगी दादी।